अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मून सुलेहरिया और आप देख रहे हैं सुलेहरिया राइट्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आप स्क्रीन पे पिक्चर देख रहे हैं कि आप इस तरह की पिक्चर कैसे बना सकते हैं, आप इस तरह की नेम डिपीज ग्लास पाउंड वाली कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा तरीका, आसान सा तरीका। इसके लिए दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिनका नाम है PSCC और पिक्सेल ऐप। ये दोनों एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पाउंड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो सिंपली सबसे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह, और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लें, और वीडियो को देखते देखते लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इस तरह की जो आपको DP दिखाई है कैसे बना सकते। सिंपली सबसे पहले आपने पिक्सेल ऐप को ओपन करना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको ओपन कर लें कुछ इस तरह का व्यू आपको नज़र आएगा, तो इस पर आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद इधर जो नेम लिखना चाहते हैं वो लिख लें, मैं लाइबा लिखूंगा, ठीक है। लाइबा तो ये वर्ड लिख लिया है क्योंकि एक दोस्त ने कहा था कि इस नेम पे भाई वीडियो इस तरह की कुछ बनाओ, तो उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई इधर से हमने फाउंड सेलेक्ट कर लेने, फाउंड कौन से सेलेक्ट करने हैं, इधर से ग्रीन नेचर, ठीक है। ग्रीन नेचर ये देखें, ये वाला फाउंड है, ठीक है। तो इधर हम ये देख सकते हैं इस तरीके से ये व्यू हमें नज़र आएगा, ठीक है। सिंपली अभी हमने करना है ये लास्ट पे जा के कुछ इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं नीचे ये ऑप्शन ये वाला, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, उधर इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देना और इधर से हमने इसे सेव कर लेना, ठीक है, ऊपर वाले से और अल्ट्रा में, और इधर से आके, ठीक है, इधर क्लिक करना है। जैसे इधर क्लिक करेंगे तो इधर से आके हमने अल्ट्रा पे आके इसे सेव कर लेना है। ये फ़ोटो जो हमारी है वो अल्ट्रा में हो, HD में सेव हो, ठीक है। ये हमारी पिक्चर हो गई है सेव। अभी सिंपली हमने बैक जाना, बैक जाके हमने सिंपली करना क्या, PSCC को ओपन करना है इस एप्लीकेशन को, ठीक है। जैसे इस एप्लीकेशन को ओपन कर लें, हमने ये न्यू प्रोजेक्ट नीचे आपको निशान नज़र आ रहा है, ठीक है, इस पर करना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद फ़ोटो लाइब्रेरी पर क्लिक करने के बाद इधर से पिक्चर सेलेक्ट करनी है जो हम पिक्चर लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे वो पिक्चर पड़ी है आपने वो पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। मैं यहाँ से पिक्चर ये सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, और ऐड कर लूँगा पिक्चर को, ये पिक्चर ऐड हो। तो दोस्तों अभी रह गए हमारे फाउंड, जो हमने फाउंड ऐड करने हैं, ठीक है, जो हमने वो बनाए हैं लाइबा नेम के, वो भी ले करेंगे। वो नीचे इधर प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे, दोबारा फिर इधर प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे और इधर से हम लेके आएंगे फ़ोटो लेयर। फ़ोटो लेयर पे क्लिक करने के बाद दो बार क्लिक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इधर से जहाँ पे वो सेव किए हैं वो पिक्सेल लैब ऐप में बनाए थे तो वो इधर ही पड़े होंगे, ठीक है। पिक्सेल लैब ऐप में जाएंगे और लाइबा ये नाम के हैं तो ऐड कर देंगे इनको, ठीक है। इनको जैसे ही ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ ले आएंगे, ठीक है, और इसे कर देंगे ओके, ठीक है। ओके करेंगे जैसे ही तो ये प्लस के निशान पर कॉर्नर पर लास्ट पर नीचे, ठीक है, इधर दोबारा फिर क्लिक करना है और दोबारा फिर प्लस के निशान पे क्लिक करके हमने इसके दो कॉपी कर लेनी है, और यानी टोटल ये तीन हो जाएंगी, ठीक है। अगर वीडियो की समझ नहीं आती तो वीडियो डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके आराम से बैठ के देखें कि वीडियो को क्या समझा रहा हूँ किस तरीके से, ताकि आप भी इस तरह से DP वगैरह नेम लिखना सीख जाएँ आसानी से, ठीक है। सिंपली अभी हमने करना है क्या है, ये FX पे क्लिक करना है। FX पे क्लिक करने के बाद लाइटिंग पे क्लिक करना है। लाइटिंग पे क्लिक करने के बाद इसको ऊपर की तरफ ले जाना, ठीक है। ये इस तरह से कुछ ऊपर ये फुल ब्लैक हो जाएगा, ठीक है, और ओके कर देना है। ओके करने के बाद सिंपली अभी हमने करना क्या है, ये साइड पे क्लिक करके ये डबल कॉपी आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है, ये वाली प्लस के साथ, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये नॉर्मल वाली जगह पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर से इसे स्क्रीन कर देना, ठीक है। तो दोबारा अभी नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे, लेयर को, नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करने के बाद FX पे क्लिक करेंगे। FX पे क्लिक करने के बाद इधर से हम करेंगे ड्रॉप शेडो पे, ठीक है। ड्रॉप शेडो पे क्लिक करने के बाद इधर से जिधर मर्ज़ी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, मैं इधर ही रखूँगा 316 पे, ठीक है। तो ये 8 ब्लोर ये नीचे आप देख सकते हैं, ये इसी तरीके से रहने दें, ठीक है। और ये 8 वगैरह लगा लें, ब्लैक कलर होना चाहिए, डिस्टेंस 4 एंगल वगैरह ये इसी तरीके से होना चाहिए, ठीक है, और ओके कर देना। जैसे ही हम इसको ओके करेंगे, अभी सिंपली करना क्या, इसको हमने कर देना मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई। अभी लास्ट वाले को ये सिलेक्ट करेंगे और इस पर हमने करना क्या, FX पे जाना है, ठीक है, और इसको बेवल के निशान पे क्लिक करना है और इधर से हमने करना क्या, इसके तकरीबन हमने कर देना 43, ठीक है, ओके करेंगे। और दोबारा इधर कलर हम इसका करेंगे ब्लैक, ठीक है।
कलर हो गया ब्लैक। इधर से दोबारा डिस्टेंस पे आएंगे और इधर से हम इस कर देंगे 39, ठीक है 39 ओके कर देंगे। ये कुछ इस तरीके से व्यू आएगा, ठीक है। तो हमने करना क्या, सिंपली अभी कर देना ओके कर देना इसे, और इसे भी कर देना डबल कॉपी पे क्लिक करके ओवरले, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ये देख सकते हैं ये ग्लास माउंट भी आपके तैयार हो गए हैं, ठीक है। इस तरीके से ये ग्लास माउंट भी तैयार हो गए हैं आपके। अभी सिंपली हमने करना क्या, इधर ये ऊपर आना, ठीक है। ये पहले देख लेना कि ये वाला लेयर ही सिलेक्ट है, ठीक है, थर्ड नंबर वाला। तो इधर ऊपर आना है और इधर आपने क्लिक करना है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन है जो, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमने करना है सिलेक्ट पिक्सल, ठीक है। सिलेक्ट पिक्सल पे क्लिक करने के बाद हमने इधर से आके एफएक्स पे आके ये साथ वाला आपको एंड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। ये फिल स्ट्रोक, ठीक है, फिल स्ट्रोक पे क्लिक करके हमने इधर से कलर इसका करना है ग्रीन, ठीक है, जो कलर हम रखना चाहते हैं, ठीक है, और कर देना ओके। ये कुछ कलर कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा, ठीक है। ये कलर इस तरीके से फिल हो गया। हमने इधर ऊपर दोबारा फिर क्लिक करके पेंसिल के निशान पे इधर से डीसेलेक्ट कर देना, ठीक है। डीसेलेक्ट करने के बाद हमने करना क्या, ये हमारा लेयर ये अभी सिलेक्ट है, तो ये एफएक्स पे जाके बेवल पे क्लिक करना है, ठीक है, ओके कर देना। एक बार फिर बेवल पे क्लिक किया, या आपने इसी तरीके से तीन मरतबा करना है, ठीक है, और ओके कर देना। अभी हम इधर से आके ये तीसरे को दूसरे नंबर वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमने करना क्या, ये इधर से आके ऊपर से सिलेक्ट पिक्सल, ठीक है। सिलेक्ट पिक्सल के बाद हमने करना क्या, एंड के ऑप्शन पे आके फिल स्ट्रोक, ठीक है, और इधर से ग्रीन कलर ये पहले से ही सिलेक्ट होगा, ठीक है, ओके कर देना। ओके करने के बाद हमने करना क्या, इसे भी एफएक्स पे आके बेवल, ठीक है, ओके कर देना, और फिर एफएक्स पे आके बेवल, ओके कर देना। अभी सिंपली करना है क्या, ये आप देख सकते हैं इस नीचे वाले को भी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कुछ हमारा इस तरीके से व्यू नज़र आएगा, और डीसेलेक्ट कर देना इसे, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके से व्यू नज़र आ रहा है, ठीक है। सिंपली अभी आपने करना है कि ये फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करना है, एफएक्स पे आना है, ठीक है, और ग्लो करना है, ठीक है। ग्लो के लिए हम इधर से इसका कलर करेंगे वाइट, ठीक है, और इसकी जो हमने रखना है 0.5 ग्लो रखेंगे, 0.5, ठीक है, ओके कर देना, और ओके इधर से कर देंगे, ठीक है। तो आपने अभी करना क्या, सिंपली इसको आपने ये देख सकते हैं, इसको प्लस के निशान पे क्लिक करके हमने डुप्लीकेट लेयर कर देना है और डन कर देना, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से हमारा नेम नज़र आएगा। अगर इसमें मज़ीद इफेक्ट डालना चाहते हैं तो वो फिर आप इधर से सेलेक्ट करके इसको लास्ट वाले को, ठीक है, तो इसमें इफेक्ट डाल के, ठीक है, इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे और इस तरह से आप करते जाएंगे तो ये मज़ीद इफेक्ट इसमें लगते जाएंगे, ठीक है। ये आज की डीपी हमारी हो गई है तैयार। इस तरीके से आप अपने लिए अच्छी से अच्छी डीपी बना सकते हैं इस तरीके से दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं ये हमारी आज की डीपी हो गई है तैयार। तो सिंपली अभी आपने करना है क्या, ये आप ऊपर देख सकते हैं, ठीक है, आपने इधर डन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। डन के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसे सेव कर देना, ठीक है, सेव प्रोजेक्ट, ठीक है। दोबारा अभी इसे सेव करने का क्या तरीकाकार है, सिंपली ये प्रोजेक्ट सेव हो गया था हमारा, तो अभी हमने करना क्या, ये नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला, ये, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे सेव टू गैलरी पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और इधर से हम पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे, ये हमारी पिक्चर आज की हो गई सेव। दोस्तों उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पर लाइक कमेंट कर लें। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।